बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आलू के पराठे बनाएंगे। आलू हमने उबलने रख दिए हैं, साथ में हम आटा गूंद रहे हैं, आटे की तैयारी कर रहे हैं। आटे में नमक डलेगा और सादे पानी से, जैसे नॉर्मल आटा गूंदता है वैसे ही इसको हम गूंद लेंगे। आलू हमारे उबल चुके हैं और इनको हमने छील लिया है। अब इनका हम भुर्ता बनाएंगे। चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, थोड़ी सी गर्म हो जाएगी तो इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। ऑयल भी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हल्का गर्म हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम अजवाइन और ज़ीरा डालेंगे, क्योंकि आलू बना रहे हैं तो आलू बादी होते हैं तो उनकी बादी ख़त्म करने के लिए अजवाइन और ज़ीरा बहुत अच्छा रहता है और उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी होती है। एक एक चाय का चम्मच तकरीबन हमने अजवाइन और ज़ीरा लिया है। थोड़ा सा ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। बारीक कटी हुई प्याज है, थोड़ा इसको सौते करेंगे। हल्की हल्की खुशबू आ रही है इसमें से, ज़ीरे की भी और अजवाइन की और प्याज की, बहुत अच्छी मिली जुली सी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें डालेंगे, तकरीबन 1 से 1.5 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्चें डालेंगे। कुटी हुई मिर्चें भी प्याज और ज़ीरे वगैरह के साथ भुनेंगी तो उसकी भुनी भुनी सी खुशबू भुरते के अंदर बहुत अच्छी लगती है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। प्याज को भी पूरा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसकी कचान दूर हो जाए इतना पकाना है। थोड़े से कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता जो है ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो और घर पे अवेलेबल हो तो डाल दें, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कड़ी पत्ते की भी बहुत अच्छे से खुशबू आ रही है। अभी हमारी प्याज जो है तकरीबन जिस तरह की शक्ल में हमें चाहिए हो गई है। अब इसके अंदर हमने आलू डाल दिए हैं और इसको भून लेंगे थोड़ा सा। आलूओं को डाल कर हल्दी नमक मिर्च हमने इसमें डाली है भुरते के अंदर, और ये इमली का पानी डालेंगे थोड़ा। इमली का पल्प आपकी मर्ज़ी है, डालें या स्किप कर दें, जिनको थोड़ी खटास पसंद है उनके लिए अच्छी है। भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डालेंगे। और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, पूरा एक जान हो जाए सब तरफ से मिला के इसको तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है भुनने की, आलूओं की भी बहुत अच्छा फ्लेवर हो गया, शक्ल भी माशाल्लाह से खूब अच्छी सी निकल आई है इसकी। ये हमने तैयारी कर ली है पराठे बनाने के लिए, भुरता डाल दिया है आलू की 2 रोटियां मिला के, और ये हमारा पराठा माशाल्लाह से देखें तैयारी की तरफ है।